हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। अगर आप एंड्रॉयड मोबाइल यूजर है और मोबाइल फ़ोन यूज करते समय बैटरी ज़्यादा देर तक नहीं चलती है, तो आज के इस वीडियो में मैं मोबाइल फ़ोन की बैटरी लाइफ को बढ़ाने का तरीका बताऊंगा, जिससे मोबाइल फ़ोन यूज करते समय बैटरी ज़्यादा देर तक चलेगी। तो फ्रेंड, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, बिल्कुल स्किप ना करें। तो चलिए, मैं लिए चलता हूँ मोबाइल स्क्रीन पर। आगे बढ़ने से पहले एक बात बता दूँ, अगर आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएँ, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अपने मोबाइल फ़ोन की बैटरी लाइफ को बढ़ाने के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन पर सेटिंग्स ऐप को ओपन कर लें। ओपन करने के बाद इस तरह से इंटरफेस खुलकर आएगा। इंटरफेस खुलने के बाद अब आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करें। स्क्रॉल करने के बाद अब आप बैटरी एंड परफॉर्मेंस वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। तो चलिए क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद इस तरह से इंटरफेस खुलकर आएगा। इंटरफेस खुलने के बाद अब आप बैटरी सेवर वाले ऑप्शन को इनेबल कर लें। बैटरी सेवर वाले ऑप्शन को इनेबल करने के लिए ऑप्शन के ठीक बगल में राइट साइड में नज़र आ रहे बटन पर क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद अब ऑप्शन इनेबल हो चुका है। अब दूसरा तरीका बताता हूँ मैं। ऑप्शन को इनेबल करने के बाद अब आप नीचे की ओर नज़र आ रहे ऐप बैटरी सेवर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दें। तो चलिए क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद इस तरह से सारा ऐप आ जाएगा। अब आप जिस ऐप को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उस ऐप के ऊपर ही क्लिक करें। तो चलिए मैं किसी एक पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद अब आप रिस्ट्रिक्ट बैकग्राउंड ऐप्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करें, या फिर रिस्ट्रिक्ट बैकग्राउंड एक्टिविटी वाले ऑप्शन पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद ओके कर दें। इससे फायदा यह होगा कि जब भी इस ऐप को आप इस्तेमाल करेंगे और आप बैकग्राउंड से पूरी तरह से नहीं हटाएंगे और ये चलता रहेगा, तो भी आपकी बैटरी को ज़्यादा खर्च नहीं करेगा। सो फ्रेंड, इन सभी तरीके को इस्तेमाल करके आप दूसरे ऐप पर भी इस तरह के आप सेटिंग्स को इनेबल कर सकते हैं और बैटरी को बचा सकते हैं। सो फ्रेंड, मेरी ये जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक, कॉमेंट और शेयर करें। अगर आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएँ, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। तब तक के लिए बाय बाय, मिलेंगे अगले वीडियो पर।